हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे समय गवाए बिना द्वारिका जाना होगा। केशव, अब ऐसे भी क्या शीघ्रता है? बात ही कुछ ऐसी है, द्वारिका पर संकट की काली घटाएं जो छाने लगी हैं। संकट की काली घटाएं? हां पार्थ, ऐसा कौन सा संकट आ गया है केशव जिसके कारण मोचन भी चिंतित हो गए हैं? उस संकट का नाम है असुर राज वज्रनाभ। वज्रनाभ? वज्रपुर नगरी का राजा, महाशक्तिशाली परंतु उतना ही दुराचारी और अधर्मी भी है वो। और मेरे लिए उसने द्वारिका पर आक्रमण करने का संकल्प लिया है। कृष्ण वो ग्वाला। सुन लिया सेनापति ऋषभान, हमारा गुप्तचर क्या कह रहा है? हाँ सुरेश्वर, वासुदेव श्री कृष्ण। मत कहो उस ग्वाले को वासुदेव, मत कहो उसे श्री कृष्ण। उसे आदर से संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा करें सुरेश्वर, गलती हो गई। ऐसी गलती फिर कभी न करना। कृष्ण हमारा शत्रु है और शत्रु का आदर करना असुरों का अपमान है। जाओ गुप्तचर हस्तिनापुर जाओ और हमें उस ग्वाले कृष्ण के बारे में हर पल हर दिन का समाचार निरंतर भेजते रहो। जो आ गया सुरेश्वर। वृषभान, हमारे गुप्तचर के अनुसार वो ग्वाला कृष्ण अब भी हस्तिनापुर में ही है, द्वारिका में नहीं। हाँ सुरेश्वर, वो ग्वाला धर्म अधर्म का पाठ सारे संसार को पढ़ाता आया है, परंतु अब समय आ गया है कि हम उसे उसी की भाषा में धर्म का यही पाठ पढ़ाएं। हमारे हाथ एक सुनहरा अवसर लगा है कृष्ण को असुरों का
धर्म और अधर्म समझाने का। सेनापति वृषभान, उस ग्वाले कृष्ण ने पांडवों की सहायता करके कौरवों का संपूर्ण विनाश कर दिया है। कौरवों के पक्ष से युद्ध करने वाले हमारे असुर मित्रों की निर्मम हत्या की है। युद्ध शुरू होने से पहले भरभृक को भी धोखे से मार डाला था उस ग्वाले ने, और इस प्रकार खुल्लम खुल्ला छल कपट और धोखे से काम लेने वाला धर्म की पताका लहराता फिर रहा है। वृषभान, मैं उस छलिए से कौरवों के विनाश और मेरे मित्र दुर्योधन तथा मेरे असुर मित्रों के वध का प्रतिशोध लूंगा, आक्रमण करूंगा। तब तो सुरेश्वर, द्वारिका पर आक्रमण करने का यह सुनहरा अवसर है। द्वारिका ही क्यों, हस्तिनापुर क्यों नहीं? इसलिए सुरेश्वर कि कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारिका की सेना हमारे सेना के आगे नहीं ठहर पाएगी। तो फिर सेनापति, हम द्वारिका पर उसी समय आक्रमण करेंगे जब कृष्ण वहां उपस्थित नहीं होगा। जब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए चल पड़ेगा और रास्ते में होगा, हम द्वारिका पर आक्रमण करके उसकी धज्जा उड़ा देंगे, ईट से ईट बजा देंगे। फिर कृष्ण को रास्ते में ही अकेले में घेर कर उसका सर उड़ा देंगे, और कृष्ण जिसे अधर्म कहता आया है उसी अधर्म का राज्य पृथ्वीलोक पर स्थापित करेंगे। कृष्ण मुरारी की, वासुदेव श्री कृष्ण की, कृष्ण मुरारी की, भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मुझे अपने अहंकार में यह भी याद नहीं रहा कि भक्ति में समर्पण की भावना होती है केशव, परंतु मैं अपने अहंकार के अधीन होकर अपने आप को ईश्वर समझ बैठा था, जबकि तुम मेरे सामने खड़े थे केशव। मेरी इस भयंकर भूल को एक नेवला ने आकर समझा दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं
अच्छा, अब मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, ना ही मैं रथ पर हूं, ना ही मैं लड़ रहा हूं। परंतु आपके मन में तो युद्ध करने का विचार है। हाँ। जो वीर मन से भी नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार भी रखता है, चाहे वो निशस्त्र क्यों ना हो, नारायण अस्त्र उसका विनाश कर देता है। इसलिए भीम भैया, आप नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए और अनन्य भाव से उसकी शरण में जाइए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा। द्वारिका नहीं पहुंचना चाहिए, यही चाहते हैं ना आप असुरेश्वर? हाँ, वो द्वारिका नहीं पहुंचेगा असुरेश्वर, हम उसे द्वारिका नहीं यमलोक पहुंचाएंगे। तो जाओ
और विजयी पताका लहराते हुए वापस लौटाओ। जो आज्ञा सुरेश्वर। दादी माँ, आप प्रणाम। आइए दादी माँ, आइए पधारिए। आइए आइए दादी माँ, पधारिए। आइए दादी माँ, आइए पधारिए। दादी माँ, लोग आपको नेत्रहीन समझते हैं क्योंकि आप अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकती, पर मैं जानता हूं कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त है जिसके द्वारा आप संसार के किसी भी स्थान की घटनाओं को देख सकती हैं, चाहे उन घटनाओं का संबंध भूतकाल से हो या भविष्य से हो या वर्तमान से हो। पुत्र, तुमने मेरी इस तीसरी आंख का सदा लाभ उठाया है। कहो वत्स, इस समय तुम मेरी दिव्य दृष्टि से क्या देखना चाहते हो? दादी माँ, आप मुझे बताइए कि इस समय वो ग्वाला कृष्ण क्या कर रहा है? वत्स, तुम श्री कृष्ण को पूछ रहे हो? हाँ, वही माखन चोर ग्वाला कृष्ण। तुम नादान हो, मूर्ख हो, जो तुम श्री कृष्ण का नाम भी आदर से नहीं ले रहे हो। मेरे लिए तो श्री कृष्ण भगवान है, परंतु तुम उन्हें भगवान नहीं मानोगे। काश ऐसा होता तो असुरों का कल्याण हो जाता। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। वासुदेव श्री कृष्ण की जय। समय आप क्या देख रही हैं? मैं श्री कृष्ण को देख रही हूं व्रजनाथ। कृष्ण को? क्या कर रहा है ग्वाला इस समय? वत्स, इस समय देवकी पुत्र श्री कृष्ण द्वारिका जाने निकले हैं। ये उसकी अंतिम यात्रा होगी दादी माँ, अंतिम यात्रा होगी। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्र, मैं तुम्हें भविष्य बता सकती थी, परंतु मैं होनी के रास्ते का रोड़ा बनना नहीं चाहती। अब देखना दादी माँ, वो ग्वाला कैसे मेरे असुरों के जाल में फंसकर फड़फड़ाएगा। Thank you.
माता, मामा श्री वसुदेव और दाऊ भैया से हमारा प्रणाम कहना। अवश्य बड़े भैया। हे केशव, हम सब भावुकता के मारे प्राणी बहक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें सदा ही तुम्हारे मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। मैं संसार में कहीं भी रहूं, मेरा मन तुम सबके साथ ही रहेगा। चलो साथी। अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है दादी माँ, कृष्ण की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। दादी माँ, अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य में झांक कर मुझे बताइए कि क्या होने वाला है। बताइए ना दादी माँ, बताइए क्या होने वाला है। बार बार भविष्य के दर्पण में अपने भाग्य की रेखाओं को देखना ठीक नहीं है वत्स व्रजनाथ, इससे अनर्थ होगा। हाँ वत्स, अनर्थ होगा। अनर्थ? अन्याय, अत्याचार, अनीति, अधर्म और अनर्थ, इन्हीं पांच मूल तत्वों से तो असुरों का निर्माण हुआ है। यदि अनर्थ होगा तो अच्छा ही है। बताइए दादी माँ, बताइए कि रक्त केतु और लंबकर्ण, इनके द्वारा कृष्ण का कैसा विनाश होने वाला है। बताइए हमें कृष्ण का भविष्य बताइए। क्या हुआ दादी माँ, क्या हुआ? वत्स, भयंकर विनाश के संकेत मिल रहे हैं, भयंकर विनाश के। वत्स व्रजनाथ, मुझे तो केवल विनाश ही दिखाई दे रहा है, केवल विनाश। वो तो होने ही वाला है। जब ये व्रजनाथ द्वारिका पर आक्रमण करेगा तो द्वारिका को विनाश से कोई नहीं बचा सकेगा। मैं द्वारिका की नहीं, तुम्हारी नगरी व्रजपुर की बात कर रही हूँ। मैंने व्रजपुर को भविष्य में संपूर्ण रूप से ध्वस्त होते देखा है वत्स। नहीं दादी माँ, ये नहीं हो सकता। व्रजनाथ, यही होने वाला है। इसीलिए वत्स, तुम श्री कृष्ण से दुश्मनी मोल ना लो। दादी माँ, असुर राज व्रजनाथ को एक ग्वाले से डरने का पाठ सिखा रही है। श्री कृष्ण भगवान है। दादी माँ, वो भगवान नहीं, जादूगर है, जादूगर। व्रजनाथ, सत्य को पहचानो और उसे मानो। दादी माँ, कृष्ण सत्य नहीं, झूठ है, झूठ, और मैं इस झूठ को मिटा कर रख दूंगा। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, इसे मिटाने के प्रयास में लोग स्वयं मिट जाते हैं। मैंने यही बात तुम्हारे पिता से भी कही थी, परंतु उन्होंने मेरी बात ठोकर से उड़ा दी थी। परिणाम क्या हुआ? वत्स, तुम्हारे पिता स्वयं मिट गए। व्रजनाथ, क्या तुम भी अपने पिता की भांति विनाश के रास्ते पर पग रखना चाहते हो? दादी माँ, यदि भविष्य के दर्पण में आप मुझे मेरी मृत्यु का दृश्य दिखाकर डराना चाहती है तो यह आपकी भूल है। मृत्यु असुर राज को कभी नहीं डरा सकती, कभी नहीं डरा सकती। व्रजनाथ, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, पर अपने परिवार की तो सोचो। तुम्हारी एक पत्नी है और एक सुंदर बेटी भी है, प्रभावती, जिसका विवाह भी तुम्हें करना है। वत्स, वत्स व्रजनाभ,
भगवान से न ईर्ष्या की जाती है न शत्रुता, भगवान की तो केवल भक्ति ही की जाती है। वत्स, भगवान को अपना मित्र, माता, पिता और भ्राता माना जाता है। बस 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 करो दादी माँ, मैं आपसे कृष्ण की प्रभुता का वर्णन और नहीं सुनना चाहता। मैं कृष्ण को मिटाकर सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि वो भगवान नहीं, डोंगी है, डोंगी। वत्स व्रजनाम, भविष्य जानने के बाद भी उसे अनदेखा करना मूर्खता है। हाँ वत्स, मूर्खता है। इसे गवाना नहीं चाहिए। भारत के दू, तुम्हें कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अकेले ही कृष्ण को यमलोक में पहुंचा सकता हूँ। नहीं लंबकर्ण, ये भूल मत करना, हम दोनों मिलकर कृष्ण से युद्ध कर सकते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि कृष्ण मायावी है? तो क्या हुआ, हम भी तो मायावी है। हम अपनी माया से उसे भ्रमित कर देंगे और माया के जाल में फंसे हुए शिकार का वध करना आसान हो जाएगा। रुक जाओ मायावी कृष्ण, रुक जाओ, रुक जाओ कृष्ण, रुक जाओ। हम तुम्हारे प्राणों की भेंट असुरेश्वर वज्रनाम को प्रस्तुत करेंगे। चलो रथ के तू, चलो।
आदिमा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो असुरेश्वर? दादी माँ, कृष्ण ने मेरे दो मित्रों का वध कर दिया है। रक्तकेतु और लंबकर्ण, ये दोनों मेरे मित्र महामायावी थे, फिर भी उस तुच्छ कृष्ण ने उनका कैसे वध कर दिया? क्योंकि श्री कृष्ण महामायापति हैं, मायावी नहीं है वत्स। दादी माँ, वत्स व्रजनाथ, मैंने पहले ही तुम्हें सतर्क कर दिया था, भविष्य का दर्शन करा दिया था, परंतु तुमने मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। वत्स, अब भी समय है, सत्य को पहचान लो और मान लो कि श्री कृष्ण ही भगवान है। दादी माँ! चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाने से तुम्हारी आवाज चाहे जितनी भी दूर चली जाए, पर वो अतीत के गहरे और अंधे कुएं में डूब कर ही रहेगी। परंतु सत्यवाणी चाहे जितनी भी धीमी हो, वो प्रतिध्वनि बनकर गूंजती ही रहेगी। और सत्य ये है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, भगवान है वत्स। झूठ है ये, सत्य केवल यही है कि मैं भगवान हूँ। मैं अपने आप को ईश्वर कहकर ईश्वर का अपमान मत करो वत्स। श्री कृष्ण ही भगवान है, तुम नहीं वत्स, तुम नहीं। दादी माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके रूप में अपने ही घर में शत्रु पाल रखा है। ब्रजनाथ, तुम मेरा अपमान तो कर ही रहे हो, परंतु इस समय अहंकार में अंधे होकर भगवान का भी अपमान कर रहे हो। वत्स, जब तक तुम भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करना नहीं सीखोगे, ना तुम्हारा कल्याण होगा, ना तुम्हारी असुर प्रजा का। दादी माँ, असुरों के कल्याण के लिए ये असुर राज उस ग्वाला के सामने भिक्षा पात्र लेकर खड़े होने वालों में से नहीं है। असुरों का कल्याण अवश्य होगा, केवल मेरे हाथों से होगा। और उस समय जिस दिन मैं अपने हाथों से कृष्ण का वध करूंगा, वध करूंगा। वत्स व्रजनाथ, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे, परंतु क्षमा की भी एक सीमा रेखा होती है। जब निरंतर दुष्कर्मों से पाप का घड़ा भर जाता है, तो ईश्वर उसे क्षमा नहीं करता। वत्स, ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। रथ रोको, द्वारिकाधीश, यह महर्षि उत्तंक के तप सामर्थ्य का प्रभाव है। उन्होंने ही अपने तपोबल से हमें संकेत भेजा है कि मैं द्वारिका जाने से पहले उनसे भेंट करूं। तपस्वियों के तपस्वी,
देवकी नंदन श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। भगवान, आपने मुझे प्रणाम करके समस्त लोकों में मुझे प्रतिष्ठित कर दिया है। आपके महान तपस्या के सामने सारी प्रतिष्ठाएं मांद पड़ गई हैं। हे प्रभु, आपके श्रीमुख से निकलने वाले वाक्य तो आपकी बांसुरी के सुरों से भी अधिक मन भावन है। आप अपनी आवाज से सभी का मन मोह लेते हैं, परंतु आपके दर्शनों से तो सभी सम्मोहित होते हैं। आपने मेरा मन मोहकर मुझे सम्मोहित कर दिया है प्रभु, सम्मोहित कर दिया है। हे भगवान, मेरी यह श्रद्धा है कि आपके होते हुए संसार में सब चैन की बांसुरी बजाएं। मैं ये जानता हूं कि कौरव और पांडव युद्ध के कगार पर खड़े थे, परंतु मैं ये भी मानता हूं कि आपने कुरुकुल के ज्येष्ठों और श्रेष्ठों को अपनी मधुर वाणी से समझा बुझाकर सम्मोहित कर दिया होगा। मेरा विश्वास है प्रभु कि कौरवों और पांडवों के बीच जो महायुद्ध होने जा रहा था, उसे और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले भीषण संहार को आपने अवश्य टाल दिया होगा। प्रभु, आप बताते क्यों नहीं कि आपने अपने शक्ति से सब कुछ ठीक ठाक कर दिया था, कोई अनर्थ नहीं होने दिया। महर्षि, बात बहुत आगे निकल चुकी थी। बात कितनी आगे बढ़े आपके सामर्थ्य से परे नहीं हो सकती। प्रभु, आप तो सामर्थ्यशील हैं। आपके जैसा कुशल योद्धा अखिल भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं। दुर्योधन ये बात समझ नहीं सकता था, इसलिए युद्ध पर उतारू हो गया, परंतु आपने दुर्योधन को अपनी शक्ति का परिचय देकर युद्ध पर अंकुश अवश्य लगाया होगा। प्रभु, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं भृगुनंदन, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि युद्ध हुआ? हां भार्गव। आपके होते हुए युद्ध हुआ? हां, संसार का सबसे भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भीषण संघार हुआ। महर्षि उत्तंक, नहीं केशव, कौरव और पांडवों के वीर आपस में लड़कर यमलोक पहुंच गए। पुत्र, पौत्र, बंधु सहित सारे योद्धाओं का विनाश हुआ, लाखों योद्धा मारे गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और द्रौपदी पांडवों के सारे पुत्र मारे गए। इस महाभयंकर युद्ध में केवल 10 योद्धा बच गए भार्गव तंक, 5 पांडव, सात्यकी अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और मैं, शेष सभी मारे गए। इतना भीषण विनाश हुआ, सबके सब मारे गए, ये अच्छा नहीं हुआ केशव, अच्छा नहीं हुआ। युद्ध रोकने की क्षमता होते हुए भी तुमने युद्ध की अनुमति दे दी, ये अपराध है केशव, अक्षम्य अपराध। इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इस अपराध का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा केशव।